Morning students, today we will study our chapter number 13, synthetic fibers and plastics. In class you have studied about natural fibers, ठीक है? और आप difference भी पढ़ के आए. Natural fibers, as name indicate, it comes from nature, like plants and animals. Plants से कौन मिलता है हमें? Cotton and jute. और एनिमल्स है वुल एंड सिल्क. दीज फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. बट इन एट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक में सिंथेसाइज, बनाना, फाइबर को बनाना. जो नेचुरल फाइबर है वो हमने नहीं बनाए, वो प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिले हैं. बट जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं. किसका यूज कर? केमिकल्स का. सो दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि हमने फाइबर्स को सिंथेसाइज किया है, बनाया है. जो इनको, इनका दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है. मैन मेड फाइबर, क्योंकि मैन ने बनाया है इनको, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया? मैन मेड फाइबर. इट हैज नाउ बीन फाउंड दैट नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. मोनो मीन्स एक. जो हमारे नेचुरल फाइबर्स है वो एक ही मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोमर्स. जब ये मोनोमर्स ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलीमर. पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है. तो मोनोमर और पॉलीमर में डिफरेंस क्लियर हो गया. मोनोमर्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, एंड पॉलीमर when it is formed by the joining of a number of monomers. Okay, synthetic fiber is also a chain of small units. जो synthetic fibers है वो भी एक long chain होती है, किनकी? Monomers की, ठीक है. और जो इसकी process होती है polymers बनाने की, उस process का क्या नाम है? Polymerization. क्या नाम है उसका? Polymerization, means polymers बनने की process. अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स. जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है. नंबर वन इज रियोन और आर्टिफिशियल सिल्क. जो सिल्क होता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जो सिल्क है कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से. बट जो नेचुरल सिल्क है इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, ओके. हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. हमने सेवंथ में पढ़ा था जो चाइना है वो सबसे आगे है सिल्क प्रोडक्शन में, उसके बाद किसका नंबर आता है? हमारे इंडिया का. और फैब्रिक बड़ा अच्छा होता है सिल्क का, और बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए हर कोई सिल्क को नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता. इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या करा? केमिकल्स का यूज कर आर्टिफिशियल सिल्क बना दिया, ठीक है. तो वो सिल्क में क्या हो गया? वो सिल्क के कंपेरिजन में चीपर मिल गया, हमें सस्ता मिल जाता है. उसे क्या नाम दे दिया उन्होंने? रियोन. क्या नाम दिया? रियोन, ठीक है. उसमें एक आर्टिफिशियल सिल्क की तरह चमक होती है, जैसे हमारे सिल्क में चमक होती है ना, उसी तरह से उसमें भी चमक होती है. वो ऐसे ही लगता है कि जैसे सिल्क का पहना हुआ हो, ठीक है. लेटर ऑन अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में हमने सबसे पहला फाइबर बनाया था, ठीक है. अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. ये ध्यान देने वाली बात है इसमें, वुड पल्प. जो रियोन है वो वुड पल्प को, वुड पल्प मतलब जो लकड़ी है ना उसकी लुगदी को बनाकर, लकड़ी के जो ऊपर छाल होती है, जब पेड़ काफी क्या हो जाता है, ओल्डर हो जाता है, तो ऊपर से उसकी पपड़ियां सी उतर जाती है, पापड़ियां उतर जाती हैं, उसको भिगो के बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? रियोन सिल्क. तो जो रियोन है वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं है. क्यों? हमने उसमें क्या यूज किया? वुड पल्प. वुड पल्प इज अ नेचुरल, सो रियोन इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर. रियोन का दूसरा नाम क्या है? रीजनरेटेड फाइबर. क्यों कहा रीजनरेटेड? जनरेट हुआ है किससे? नेचुरल मटेरियल को यूज करके. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ रियोन, कि कहां रियोन यूज होता है. रियोन कैन इमिटेट द फील. इमिटेट मतलब नकल होता है ये किसकी? सिल्क की. फील, अपीयरेंस, छूने में भी उसी की तरह जैसा लगता है और देखने में भी सिल्क के जैसा लगता है, ठीक है. तो इसीलिए जो रेयोन है उसको मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ और
वूल के साथ डिफरेंट चीजें बनाने के लिए। जब हम उसको कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, बेडशीट। और जब हम उसको वूल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनाता है वो, कारपेट्स। इसमें यूज होता है। रेयन फाइबर्स आर स्मूथ कूल एंड कंफर्टेबल। जो रेयन है उस वो कूल होता है, ठीक है, मीन्स हमें ठंडक पहुंचाता है और कंफर्टेबल होता है। रेयन कैन बी इजिली डाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। जो रेयन है उसको इजिली डाई किया जाता है, क्योंकि कई बार कपड़ा ऐसा होता है जिसको डाई नहीं किया जाता, बट रेयन एक ऐसा फैब्रिक है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर वियर इन समर। समर में क्या है, ज्यादातर हम कॉटन पहनते हैं, बट कॉटन इज वेरी कॉस्टली, सो जो रेयन है उस वो स्वेट्स को बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी क्वालिटी के कारण जो रेयन है वो आजकल कहाँ, समर्स में पहना जाता है कॉटन के मुकाबले में, उससे चीपर रहता है। इट इज यूज इन मेकिंग एप्रेल्स लाइक ड्रेसेस, जैकेट्स, लाइनिंग सूट्स, हैट्स एक्सेट्रा। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड इन टायर कोड्स। ये सर्जिकल प्रोडक्ट जो सर्जरी होती है ना हमारी, ऑपरेशन होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइबर इज नायलोन। नायलोन की क्या प्रॉपर्टी है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है कि जो हमें फाइबर दिया हुआ है उसकी क्वालिटी प्लस उसके यूजेस, यही हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रेयन की क्या क्वालिटी है, ये सबसे पहला प्योरली आर्टिफिशियल फाइबर था, ठीक है, क्योंकि रेयन तो क्या था, रीजनरेट था, नेचुरल फाइबर यूज किए थे हमने, बट नायलोन प्योर सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। और इसका नाम क्या है, NY, NY means कहां से आया ये, न्यूयॉर्क से, और LON कहां से आया, लंदन। दो साइंटिस्ट थे, एक न्यूयॉर्क का था और दूसरा कहां से था, लंदन से था। दोनों ने मिलकर इस फाइबर की डिस्कवरी की थी, बनाया था इसको, तो इसीलिए इस फाइबर का नाम क्या रख दिया, नायलॉन, ओके। उसके बाद है ये वंडर पॉलीमर है। वंडर मीन्स क्या होता है, अद्भुत, जो अपने आप में एक विचित्र हो, उसे कहते हैं हम वंडर पॉलीमर। कैसे है ये वंडर पॉलीमर, सबसे पहले तो ये फुली सिंथेटिक है। सेकंड थिंग क्या है, ये जो नायलोन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, बहुत ज्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। टेंसिल मतलब इसको कितना भी खींच लो, कितना भी कर लो, ये टूटता नहीं। जैसे हमारी रस्सियां होती हैं, जो हमारी रॉप्स होती हैं, पैराशूट की रॉप्स हैं, पैराशूट हैं, कारपेट्स हैं, सॉक्स हैं, ये सब क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है जो नायलन का धागा होता है। जैसे अब मेरे पास ये सॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, सॉक्स है। अब ये देखो, ये नायलॉन की बनी हुई, इसको कितना भी जोर लगा लो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, नायलॉन है, इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ है, कितने भी इसको जोर लगा लो ये बिल्कुल भी टूटना नहीं। तो ये सॉक्स जो हमारी क्या है, सॉक्स क्यों, हम नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो इसीलिए ये नायलॉन की बनी होती है, ताकि ये लास्ट लॉन्गर चल सके, ठीक है। जो पैराशूट होते हैं हमारे, रॉप्स होती है, ये सब किसकी बनी होती है, नायलॉन की। क्यों, ये हाईली ड्यूरेबल है, बहुत दिनों तक चलने वाला है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमारे जो डेली यूज में यूज होने वाली चीजें हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं, लाइक अवर कॉम और ब्रश। जो ये हमारी कॉम है, जो ये बने हुए ना, ये किस चीज के बने हुए हैं, नायलॉन के। और ये जैसे हमारे ब्रश है, ब्रश के जो ये ब्रिसल्स हैं, ये भी किसके बने हुए हैं, हमारे नायलॉन के, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग रॉप्स। ये जो रॉप बनी होती है हमारी, रस्सी है, ठीक है, ये भी किसकी बनी हुई, नायलॉन की। इसको कितने भी जोर लगा लो ये टूटती नहीं। नेक्स्ट इज टेरिलिन। टेरिलिन की क्या क्वालिटी है, आपको पिक्चर से समझ आ रहा होगा। ये क्या यूज होती है, अम्ब्रेला कब यूज होती है, जब बारिश आती है, और रेनकोट भी कब यूज होता है, जब बारिश आती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या क्वालिटी हुई, क्या ये पानी को अब्सॉर्ब करेगी, नहीं, ये पानी को अपने ऊपर टिकने नहीं देती। तो टेरिलिन की यही क्वालिटी है। टेरिलिन इज ऑल्सो इलास्टिक, हाईली ड्यूरेबल, बहुत चलने वाला होता है, रिंकल रेजिस्ट, रिंकल क्या होता है, सलवटें, इसके ऊपर सलवटें नहीं पड़ती। एंड मोथ रेजिस्टेंस, मोथ क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हमारे कपड़े रखे रहते हैं उनके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, तो इंसेक्ट्स खा जाते हैं, कपड़ों में छेद कर देते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे यूजेज ऑफ टेरिलिन। इट इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है, कपड़ा बनाने के यूज होती है। इट डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर, ये पानी को अब्सॉर्ब नहीं करती। और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट। सेल्स क्या होती हैं, जो उसको चप्पू चलाने वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं सेल्स ऑफ बोट। एंड फॉर मेकिंग रेन कोट्स,
अब जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने एक, ये क्या है हमारा अम्ब्रेला है ना, ये किसका बना हुआ है, टेरिलिन का। क्यों, इसके ऊपर यदि हम पानी डालते हैं, ये देखो मैंने ये जब इसके ऊपर पानी डाला तो क्या इसने पानी को अब्सॉर्ब करा, नो। देखो अब ये देखो इसकी जब हम अगली स्तर देखेंगे पीछे की, तो देखो क्या पानी आया यहाँ, नहीं। इसी क्वालिटी के कारण जो टेरिलिन है उसको किस में यूज करते हैं, अम्ब्रेला बनाने में, रेनकोट्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीएथीन टेट्राथिलेट पैट, जो बॉटल्स आती हैं पैट की, या फिर हमारा प्लास्टिक की जो कंटेनर्स आते हैं वो आते हैं पैट के। इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉमनली यूज टू मेक बॉटल्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा। ये सब चीजें जो आपकी बॉटल्स होती हैं, टेलीफोन के बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये हमारे कीबोर्ड वगैरह के जो कवर्स होते हैं वो सब। इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। पेट बॉटल्स आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जूसेज होते हैं, ऑयल्स होते हैं, और जितने भी फूड आर्टिकल्स, वो सब क्या है, इनके अंदर बंद होकर आती है। जो पेट है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स यूज इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स। जो ऑडियो और वीडियो कैसेट्स होते हैं उनके अंदर जो टेप होती है उसको बनाने में भी किसका यूज होता है, पेट का। नेक्स्ट इज एक्राइलिक फाइबर, एक्राइलोन बोलते हैं जिसको। दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स विच अपियर्स टू रिजेंबल वूल। ये किसके जैसे लगते हैं, वूल के जैसे, ऊन के जैसे, ऐसे लगते हैं कि ये ऊन के हैं और उसी की तरह गर्माइश देते हैं हमें। वी वियर स्वेटर्स एंड शॉल्स इन विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम एक्चुअल नेचुरल वूल। जो नेचुरल वूल है वो वही सिल्क वाली बात आ गई, जो नेचुरल सिल्क है वो कैसा तय होता है हमारा, बड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है। लाइक दैट जो नेचुरल वूल है वो भी क्या आती है हमारी, कॉस्टली, ठीक है। कई बार कह देते हैं हम ब्लैंकेट, ये तो हम तो 10,000 के ब्लैंकेट लाए हैं, और यहाँ हमारी स्ट्रीट्स में जब स्ट्रीट वेंडर आते हैं वो कहते हैं 2,000 का ले लो, 3,000 का ले लो। क्यों? क्योंकि वो किसका बना होता है, वूल का नहीं बना होता, वो किसका बना होता है, एक्राइलिक फाइबर्स का, ठीक है। देखने में अपीयरेंस में वूल वूल जैसा लगता है, बट एक्चुअल में वो वूल नहीं होती, ठीक है। दीज आर यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स विच आर वेरी लाइट। और कैसे होते, जैसे अब चाइनीज ब्लैंकेट आए हुए हैं, वो सब किसके बने हुए हैं, एक्राइलिक फाइबर, ठीक है। अब है एडवांटेज, अब हमने सारे क्या पढ़े, सिंथेटिक फाइबर्स। अब हमने इतने सारे फाइबर्स बनाए हैं तो कुछ तो एडवांटेज होगी इनकी, तभी तो हमने बनाए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नंबर वन, दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग लस्टर। मीन्स जब हम कॉटन को वॉश करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद उनके जो कलर हैं वो क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, मीन्स मंदम पड़ जाते हैं, ठीक है, डल हो जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन इनकी जो चमक है वो बरकरार रहती है, बहुत दिनों तक रहती है, दे लास्ट लॉन्गर। ये जो नेचुरल फाइबर वाले कपड़े हैं जैसे कॉटन है, वूल है, वो जल्दी फट जाते हैं, लेकिन ये जल्दी नहीं फटते। दे आर इजी टू क्लीन, इनको जरा सा ब्रश करो या कुछ भी करो, बड़ी जल्दी साफ हो जाते हैं, ठीक है। बट जो कॉटन है उनको काफी रगड़ना पड़ता है। दे ड्राई क्विकली, ये बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, इनको जरा सा झटका के सुखा दो और तभी सूख जाते हैं ये। दे डू नॉट रिंकल, जो हमारी कॉटन की शर्ट्स होती हैं या सूट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, प्रेस की जरूरत होती है, बट जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको प्रेस की जरूरत नहीं होती, ना के बराबर होती है। दे डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होते, सिकुड़ते नहीं। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मतलब उनकी हानियां क्या है। सबसे पहले, दे है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज मेल्ट होना शुरू कर दे, मीन्स पिघलना शुरू कर दे। जो सिंथेटिक फाइबर है वो बड़ी जल्दी बर्न हो जाते हैं, मतलब यदि ज्यादा गर्मी हुई तब भी ये क्या हो जाते हैं, बड़ी जल्दी बर्न हो जाते हैं, और स्मॉल स्टिकिंग बीड्स, छोटी छोटी बीड्स बन जाती है जब इनको गर्म, इनको ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। तो इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम किचन में जब हम काम कर रहे हैं या फिर हम क्रैकर्स बर्न करते हैं तो कहते हैं ना कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर्स में आग बड़ी जल्दी लग जाती है। नेक्स्ट, अनलाइक नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट अब्सॉर्ब स्वेट। ये स्वेट को अब्सॉर्ब नहीं करते, इसीलिए क्या है, अनकंफर्टेबल है। किसमें? समर में। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, सबसे मेन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो अपने आप को डिकम्पोज नहीं कर पाते, इसीलिए उसे क्या होता है, पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, हमने हमारा चैप्टर का नाम क्या था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फाइबर्स तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, प्लास्टिक। आप इससे बड़े वाकिफ हो, प्लास्टिक क्या है, आप अपने घर में सब चीजें देखते हो, स्केल आपका, आपके टिफिन बॉक्स, आपकी बॉटल, सब किस चीज के बने हुए हैं, प्लास्टिक के। आपके किचन में इतने सारे कंटेनर रखे होते हैं, वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। ठीक है, तो प्लास्टिक वेरी कॉमन इन अवर लाइफ। तो प्लास्टिक फर्दर टू टाइप्स होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब मम्मा हमारे स्क्रैपर वाला इकट्ठे कूड़ा लेने वाला आता है, तो वो कहीं प्लास्टिक को लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं, दोबारा यूजेबल नहीं होती। तो उसके बेसिस पर जो प्लास्टिक है वो टू टाइप्स है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, जो मोनोमर्स हैं वो चेन बनाते हैं, तो उनके लीनियर अरेंजमेंट होता है, मीन्स वो एक लाइन में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और जो जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे जाल सा बना लेते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ऐसे वन मॉलिक्यूल वन वन वन, फिर इनको क्रॉस बना दिया, इसे क्या कहते हैं हम, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, प्लास्टिक को क्यों प्रेफर किया जाता है। नंबर वन, लाइट वेट, बड़ी हल्की होती है। यदि हम चेयर की बात करें, आजकल क्या है, प्लास्टिक के चेयर ज्यादा चलती है। क्यों? जो वुडन चेयर है या फिर हमारी मेटल की चेयर है, वो क्या थोड़ी हैवी होती है उठाने में, इसलिए हम प्लास्टिक की चेयर को प्रेफर करते हैं। क्यों? लाइट इन वेट। नेक्स्ट, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वजन को सहन कर पा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, बिना ब्रेकिंग के। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। जो आपने देखा है, यदि हम चेयर को कोई एसिड गिर जाता है या फिर उसको हम डिटर्जेंट से साफ करते हैं, तो इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम अपने जार्स को, कंटेनर्स को भी साफ करते हैं ना किचन में, तो यही सबसे बड़ी क्वालिटी है कि केमिकल्स का कोई भी उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है, इसका एडवांटेज है कोई? नो। ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज। क्यों? ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसके कारण क्या हो गया, पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। लस्टर एंड कलरफुल, यस, जो प्लास्टिक है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती है और शाइनी होती है, ब्राइट होती है, जो हरेक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। नॉन कंडक्टर, यस, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है प्लास्टिक की, नॉन कंडक्टर है। आपने देखा है जो वायर होती है, ये देखो ये वायर है ना हमारी, इसके अंदर क्या है, कॉपर है, हमने जैसे मेटल वाले चैप्टर में, और ये ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कवरिंग, ताकि हमें करंट ना लगे। ठीक है, तो ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास नहीं होती। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग। एज नेम इंडिकेट, थर्मो, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, थर्मो प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हीट से पिघल जाए, ठीक है, अपनी शेप को मोल्ड कर ले, बदल ले, दैट इज कॉल्ड थर्मो प्लास्टिक। और थर्मो सेटिंग, सेटिंग में सेट हो गया, उसको हम कितना भी गर्म कर लें, कितना भी तेज टेम्परेचर पे उसको हीट कर लें, बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर इनके फर्दर यूजेस हैं। थर्मोप्लास्टिक समझ आ गया, जो इजिली मोल्ड हो जाती है, जैसे अब ये मेरे पास ये क्या है, एक क्या है, ये बोतल है, बोतल को मैंने हीट किया था, तो देखो इसकी शेप क्या होगी, डिफॉर्म्ड होगी ना, तो ये किसकी, किसका एग्जाम्पल हुई, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन। आप पॉलीथीन है, उसको यदि हम गर्म करें तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, टेरिलीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में क्या होता है, इसके ऊपर हीट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये किसमें यूज होती है, हमारे यूटेंसिल्स के, जो ये पीछे होता है ना, देखो ये अब ये यूटेंसिल्स है, इसके ये पीछे वाला है, ये किसका बना होता है, थर्मो सेटिंग का। अब हम इसमें सारे दिन चाय बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, दूध गर्म करते हैं, बट क्या ये पिघला है, बिल्कुल भी नहीं पिघला। क्यों? ये किसका बना हुआ है, थर्मो सेटिंग का। ठीक है, और जो हमारे स्विच बोर्ड पे स्विचेस होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, थर्मो सेटिंग के। जो इलेक्ट्रिकल स्विच है वो थर्मोप्लास्टिक के, थर्मो सेटिंग के क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वहां से क्या जाना, इलेक्ट्रिसिटी जानी है,
यदि इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो गई तो वो तो सारे मोल्ड हो जाएंगे और उनकी शेप चेंज हो जाएगी, इसीलिए वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग के, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन है, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। ओके, तो मेलामाइन और बैकेलाइट किसमें यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। और जो मेलामाइन है, मेलामाइन रेजिस्ट फायर, जो आपने देखा जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं उनके जो क्लोथ होते हैं वो एक स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं, उसका नाम है मेलामाइन। क्यों, मेलामाइन कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ये ज्यादा हीट को टॉलरेट करते हैं, इसलिए उनके स्पेशल जो क्लॉथ होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। यही क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था बोर्ड में कि जो फायर ब्रिगेड है उनके कपड़े मेलामाइन के क्यों बने होते हैं, बिकॉज इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ओके, अब जो प्लास्टिक है वो इतना वाइड स्प्रेड हो गया हमारी जिंदगी में, हम इतना ज्यादा यूज करने लग गए हैं, अब हम क्या वो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, नहीं। क्यों, सबसे पहले तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। और जब हम पॉलिथीन में सब्जियां वगैरह या वेस्ट मटेरियल हम पॉलिथीन में फेंक देते हैं तो क्या होते हैं, जो हमारे स्ट्रीट्स में घूमने वाले एनिमल्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं, और पॉलिथीन उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको चोक कर देता है, उसके उनके गले को बंद कर देता है, ठीक है, और उनको उससे क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड थिंग, जो प्लास्टिक है वो क्या करती है, हमारी जो सीवरेज सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, वो वहां पर फंस जाती है और वहां से क्या होती है, फिर सारा सीवरेज सिस्टम क्या हो जाता है हमारा, ब्लॉक। और क्या इसकी एनवायरमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नंबर टू, यदि हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, क्योंकि हम कूड़े को दो ही तरह से निपटाते हैं, या तो बायोडिग्रेडेबल करके या फिर उसको बर्न करके। अब ये बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं, और जलाने से क्या होता है, इससे बड़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और एनवायरमेंट क्या होता है हमारा, पोल्यूट, ठीक है। तो यही सारे डैमेज है कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। उसके बाद है मेजर्स टू कंट्रोल द डैमेज, हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक है उसका यूज कम से कम करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन द रोड, हमें रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। क्यों, रोड पे जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो खा जाते हैं या फिर वो हमारे सीवरेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्ट को क्या हमें अलग अलग करके डालना चाहिए। आजकल तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है ना, दो दो बीन्स रखे रहते हैं, ग्रीन बीन एंड ब्लू बीन, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, वी शुड मेक यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट, हमें जब भी बाजार जाते हैं जाना चाहिए तो क्या लेके जाना चाहिए, अपने घर से कॉटन और जूट के बैग्स को ही प्रेफर करना चाहिए, ठीक है, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। हमें ये 4 आवर्स प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, 4 आवर्स मीन्स 1 रिड्यूस, हमें अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए, रीयूज, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीयूज करना चाहिए, ठीक है, रिसाइकिल, जो रिसाइकिल हो सकती है हमें तो उसको रिसाइकिल बीन में डाल देना चाहिए, रिकवर, हमें जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू डेवलप हैबिट्स दैट हेल्प टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, हमें अपने अंदर ऐसे हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, इतनी अच्छी आदतों का सुधार करना चाहिए जिससे जो हमारा एनवायरमेंट है वो बचा रह सके। तो इसी के साथ आप मेरे से प्रॉमिस करोगे ना कि आगे से हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना, किसके बैग्स यूज करने हैं, कॉटन एंड जूट के। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।